सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। वक्त हो चला है सत्यम न्यूज वेब टीवी पर भदोही जिले की खबरों का। सत्यम न्यूज आपके जिले का अपना मीडिया संस्थान है, ऐसे में सत्यम न्यूज की खबरें जरूर देखें और लाइक कमेंट कर हमारे टीम का हौसला बढ़ाते रहें। खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम खबर से। गोपीगंज कोतवाली इलाके के सरई मिश्रानी गाँव में कड़ेदीन मिश्रा के घर में भीषण चोरी का मामला सामने आया है। 30,000 नगद सहित 7,00,000 रुपए के जेवर चोरी होने की बात बताई गई है। जांच पड़ताल के लिए डाक स्क्वाड व फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची थी। ईंट भट्टा संचालक कड़ेदीन मिश्रा के यहां यह चोरी हुई है। पड़ोसी के छत के सहारे चोर कड़ेदीन मिश्रा के छत पर पहुंचे और छत पर बने दो कमरों में सो रहे लोगों को बाहर से कुंडी लगाकर बंद कर दिया और छत के सहारे मकान में उतरकर आराम से चोरी की घटना को अंजाम दिया है। हालांकि परिवार की एक महिला की नींद टूटी तो शोर मचाने लगी, लेकिन तब तक चोर 30,000 नगद, 7 सोने के सिक्के, अंगूठी, झुमका, चेन, कुछ चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। चोरी की घटना से इलाके में सनसनी फैली हुई है। कड़ेदीन मिश्रा की शिकायत पर जांच पड़ताल के लिए डाक स्क्वाड व फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची थी। लोकसभा चुनाव को लेकर नामांकन के दूसरे दिन भाजपा प्रत्याशी विनोद कुमार बिंद सहित कुल 10 प्रत्याशियों ने 17 सीट में पर्चे खरीदे हैं। हालांकि दूसरे दिन भी किसी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया है। सहायक रिटर्निंग अफसर भान सिंह ने बताया कि भाजपा प्रत्याशी विनोद कुमार बिंद 4 सीट, भारतीय कामगार पार्टी से कृष्ण मुरारी, परिवर्तन समाज पार्टी से नीतू श्रीवास्तव, आधी आबादी पार्टी से करण शुक्ला, राष्ट्र उदय पार्टी से कृष्ण देव पाल व निर्दल प्रत्याशी के रूप में उषा तिवारी, दीनानाथ, राजेश गुप्ता, ब्रह्मानंद तिवारी, धीरेन्द्र कुमार तिवारी ने मंगलवार को पर्चे खरीदे हैं। इसी तरह सोमवार को राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शरद पवार के प्रत्याशी एडवोकेट डॉक्टर अखिलेश कुमार द्विवेदी ने भी 4 सीट में पर्चे खरीदे थे। भदोही जिलाधिकारी विशाल सिंह के नाम पर फेसबुक पर फेक आईडी बनाकर पैसा मांगने वाले पर साइबर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह मुकदमा खुद डीएम विशाल सिंह ने दर्ज कराया है। भदोही डीएम विशाल सिंह के नाम पर फेसबुक पर फेक आईडी बनाकर 2 नंबरों से पैसा मांगा जा रहा था। डीएम के करीबी व रिश्तेदारों ने इसकी जानकारी डीएम को दी। डीएम भदोही विशाल सिंह की तहरीर पर साइबर थाना ज्ञानपुर पुलिस ने अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। दुर्गागंज थाना इलाके के चौर बौरी बोझ के बिंद बस्ती में पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट हुई है। मारपीट में एक पक्ष से 4 लोग घायल हुए हैं। चौर बौरी बोझ निवासी राजेंद्र प्रसाद बिंद ने बताया कि सुबह पड़ोस के संतोष व अशोक के बीच जमीन विवाद को लेकर कहासुनी हो रही थी, तभी उसका 32 वर्षीय भाई राकेश भी वहां पहुंच गया। अनायास दोनों पक्ष राकेश को गाली गलौज देने लगे। राजेंद्र प्रसाद बिंद ने बताया कि विरोध करने पर सभी उसके घर चढ़ आए और लाठी डंडे से मारपीट कर राकेश बिंद, जितेंद्र, पिंकी व राजेंद्र प्रसाद बिंद को मारपीट कर घायल कर दिया। घायलों का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। मारपीट से गांव में अफरा तफरी फैली रही। डीग ब्लॉक के गाधी ग्राम सभा में इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। ग्रामीणों ने घटिया इंटरलॉकिंग ईंट का इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाया है। यह आरोप खुद ग्राम सभा के पंचायत सदस्य शिवचंद गौतम ने लगाया है। कहा कि ग्राम सभा में बुधिराम गौतम के घर से शिवचंद गौतम के घर तक 120 मीटर इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कराया जा रहा है, जो काफी घटिया है। मानक को दरकिनार कर इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण सामग्री भी काफी घटिया है। ग्राम सभा के रामजी गौतम, श्यामा समोधी, राजमणी, हरिचंद आदि ने सड़क निर्माण कार्य की जांच कराए जाने की डीएम से मांग की है। वहीं शहर के नेशनल तिराहे के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में बाइक सवार छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया है। हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। भदोही शहर के मूसी डगडगुआ निवासी संदीप विश्वकर्मा का 29 वर्षीय पुत्र उज्जवल विश्वकर्मा भदोही शहर में कोचिंग कर प्लेटिना बाइक से घर लौट रहा था। नेशनल तिराहे के समीप पहुंचा तभी अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। उज्जवल विश्वकर्मा हादसे में जहां गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। समीप मौजूद लोगों ने फौरन इसकी जानकारी एम्बुलेंस को दी। सूचना मिलते ही सरकारी एम्बुलेंस के EMT प्रेमचंद व पायलट मुकेश कुमार मौके पर पहुंचे। घायल को राजकीय अस्पताल भदोही में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर घायल को रेफर कर दिया गया है।
गोपीगंज इलाके के एक छोटे से गांव रहपुरी का एक होनहार युवा खिलाड़ी विदेश की धरती पर भदोही जिले का परचम फहराया है। अपने छोटे से गांव रहपुरी के साथ साथ इस युवा होनहार खिलाड़ी ने भदोही जनपद का नाम विदेश में बढ़ाया है। रहपुरी निवासी शिवपूजन बिंद के पुत्र विकास बिंद ने दुबई जूनियर एथलेटिक्स एशियन अंडर 20 चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी के रूप में 3000 मीटर की रेस में अपना नाम दर्ज कराते हुए देश का परचम फहराया है और कांस्य पदक जीतकर विदेश की धरती पर भदोही जनपद का लोहा मनवाया है। कांस्य पदक जीतकर विकास बिंद जब अपने गांव पहुंचे तो लोगों ने स्वागत किया। स्वागत करने वालों में संदीप बिंद, आशीष चंद्रभान, सोनू बिंद आदि मौजूद रहे। सुरियामा के अटल चौराहे के समीप मोपेड बाइक के सामने अचानक छुट्टा पशु आ गया। छुट्टा पशु से मोपेड बाइक टकरा गई। हादसे में मोपेड पर सवार दो सगे भाई घायल हो गए। उपचार के लिए पुरानी बाजार आदर्श नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। सुरियामा के छनौरा निवासी लालमणि गुप्ता के 35 वर्षीय पुत्र सिपाही लाल गुप्ता अपने छोटे भाई अनिल कुमार गुप्ता के संग मोपेड से सुरियामा पावर हाउस गए हुए थे। लौटते समय अटल चौराहे के समीप अचानक मोपेड के सामने छुट्टा पशु आ गया, जिससे टकराकर अनिल व सिपाही लाल घायल हो गए। मोपेड पर बैठे सिपाही लाल के पैर में गंभीर चोटें आई हैं। जिला मुख्यालय ज्ञानपुर सरपतहा कलेक्ट्रेट परिसर में बने नामांकन स्थल का अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह व सीओ यूपी सिंह ने दलबल के साथ निरीक्षण किया है। बैरियर पॉइंट पर लगे पुलिस के जवानों से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, साथ ही तमाम निर्देश भी अपर पुलिस अधीक्षक ने दिया है। नामांकन स्थल पर बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। कहा कि बगैर परिचय पत्र किसी को भी प्रवेश न दिया जाए। आधी रात के बाद अचानक एक विवाहिता की तबीयत बिगड़ गई। परिजन इलाज के लिए कई अस्पताल ले गए, जहां मौत हो गई। मामला दुर्गागंज के भानीपुर गांव का है। राजेश गौतम ने बताया कि उसकी 32 वर्षीय पत्नी सपना देवी की तबीयत अचानक रात 12 बजे खराब हो गई। उपचार के लिए कई डॉक्टरों को दिखाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। सपना देवी के मौत की सूचना पर मायके वाले भी पहुंच गए थे। हालांकि मायके वालों ने किसी भी प्रकार का आरोप नहीं लगाया है। गोपीगंज कोतवाली में मंगलवार को एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। कोतवाली में तैनात होमगार्ड राजनाथ सेवानिवृत्त हो गए हैं। इस मौके पर एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। ऊज इलाके के परशुरामपुर गांव निवासी राजनाथ 1990 में भर्ती हुए थे, जहां ऊज कोयरौना सीओ ऑफिस डीएम कार्यालय पुलिस लाइन सहित गोपीगंज कोतवाली में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सेवानिवृत्त होने पर कोतवाली में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि सीओ ज्ञानपुर प्रभात कुमार राय रहे। इस दौरान उनके कई साथियों की आंखें भी नम हो गई। इंस्पेक्टर संतोष कुमार सिंह, कस्बा चौकी इंचार्ज संतोष कुमार, हेड कांस्टेबल रामविलास, माता सेवक होमगार्ड जयशंकर यादव, दिवाकर पांडे जैसे तमाम लोगों ने राजनाथ को विदाई दी। ज्ञानपुर के गजधरा चकगनेसा गांव में दो दिवसीय यथार्थ गीता पाठ का आयोजन कराया गया। श्री परमहंस आश्रम भगवास से आए विजय महाराज के सानिध्य में यथार्थ गीता पाठ कराया गया। पिंटू यादव के आवास पर आयोजित यथार्थ गीता पाठ के बाद भंडारे का आयोजन कराया गया था, जहां स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज के रखे चित्र का दर्शन कर बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर विजय यादव, राजेंद्र प्रसाद यादव, दिनेश राहुल आदि मौजूद रहे। परिवार रजिस्टर में फर्जीवाड़ा करने के मामले में सुरियामा पुलिस ने तत्कालीन पंचायत सचिव सहित 8 लोगों पर अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। सुरियामा इलाके के मौजूदा की रहने वाली गंगाजली ने परिवार रजिस्टर में फर्जीवाड़ा किए जाने का आरोप लगाते हुए तत्कालीन ग्राम पंचायत सहित व मौजूदा निवासी जयप्रकाश, लाल प्रताप, सदानंद, दिनेश, राजेश कुमार, सुरेश कुमार व नीलेश कुमार के खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468, 471 व 120B के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।
लाखों खर्च कर ग्राम सभाओं में अमृत सरोवर तालाब बनवाए गए हैं। पुराने तालाबों पर लाखों खर्च कर काफी प्रचार प्रसार के साथ अमृत सरोवर तालाब का रूप दिया गया था, लेकिन भदोही जिले में अधिकतर अमृत सरोवर तालाबों की हालत बदहाल है। इस भीषण गर्मी में सूखे पड़े अमृत सरोवर तालाब में दरारें पड़ने लगी हैं। यह तस्वीर आई है भदोही ब्लॉक के उधवा ग्राम सभा से, जहां अमृत सरोवर तालाब पूरी तरह सूखा पड़ा है। इलाके के लोगों ने बताया कि भीषण गर्मी से आम लोग ही नहीं पशु पंछी भी परेशान हैं। उधवा ग्राम सभा वासियों ने सूखे पड़े अमृत सरोवर तालाब में पानी भरवाए जाने की मांग की है। कार्यदायी संस्था के ठेकेदार की लापरवाही के चलते सुरियामा दुर्गागंज रोड बिहियापुर पेट्रोल पंप के पास राहगीर हिचकोले के साथ धूल फाक रहे हैं। उड़ती धूल के बीच हादसे की भी आशंका बनी रहती है। बिहियापुर इलाके के ग्रामीणों ने बताया कि दो दिन पूर्व भूमिगत केबल डालने के लिए पेट्रोल पंप के समीप सड़क की खुदाई की गई थी। केबल डालने के बाद सड़क को बेतरतीब ढंग से पाट दिया गया है। सड़क के बीचों बीच भारी भरकम गड्ढा हो गया है। सड़क का डामरीकरण नहीं कराया गया है, जिससे धूल के साथ वाहन चालक हिचकोले खा रहे हैं। अब तक कई राहगीर गिरकर घायल भी हो चुके हैं। 20 वर्षीय युवती को भगा ले जाने के आरोप में कोरोना पुलिस ने एक युवक के खिलाफ FIR दर्ज किया है। युवती के पिता की तहरीर पर कोरोना पुलिस ने बारीपुर निवासी धर्मराज सिंह के पुत्र आकाश के खिलाफ धारा 366 के तहत FIR दर्ज किया है। युवती के पिता का आरोप है कि आकाश उसके गांव पहुंचा और उसकी पुत्री को लेकर चला गया। फिलहाल पुलिस मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। कालीन निर्यात संवर्धन परिषद CPC चुनाव को लेकर आज से मतदान शुरू हो गया है। प्रत्याशियों की किस्मत आज से कैद होने लगी है। मतदान से एक दिन पहले मंगलवार को औराई के घुसिया में पूर्व चेयरमैन वरिष्ठ कालीन निर्यातक नुमान अहमद के आवास पर एक बैठक हुई। बैठक में CPC सदस्य के प्रत्याशी संजय गुप्ता, जाबिर बाबू अंसारी व खुद नुमान अहमद ने कालीन परिक्षेत्र व निर्यातकों की बेहतरी के लिए उनके गुट को मतदान करने की अपील की है। इस मौके पर कादिर अंसारी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आप अपने इलाके की खबरें हमें जरूर बताएं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी खबर के लिए सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताजा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।